मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ के बाद एक और भोजपुरी स्टार संसद में जाने की इच्छा जताई है। दरअसल भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता और सिंगर पवन सिंह ने कंफर्म कर दिया है कि वो 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ने के मूड में है। मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने कहा कि वह बस पार्टी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। पवन सिंह ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वह अगर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। दरअसल पवन सिंह प्रदेश भाजपा कार्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, ऊपर से जो आदेश आएगा मैं उसका पालन करूंगा, समय आने दीजिए, लोकसभा में जरूर जाऊंगा। भोजपुरी एक्टर ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह जब भी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में ये कोई शक की बात नहीं है कि अगर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली तो वह अन्य किसी पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि कई बार पवन सिंह को बीजेपी के अलावा अन्य पार्टी के नेताओं से भी रिश्ते अच्छे बनाते देखा गया है। कुछ ही दिनों पहले पवन सिंह को राजद के दिग्गज नेता और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव संग देखा गया था। तेज प्रताप के सामने तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल खड़े होने लग गए थे कि क्या पवन सिंह राजद से भी टिकट पाने की तैयारी में है। हालांकि पवन सिंह ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया था और राजद में शामिल होने की खबरों का खंडन किया था। आपको बता दें कि पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं, ऐसे में वह चाहते हैं कि आरा से ही लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन उनकी इच्छा पूरी होगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वर्तमान में आरा के सांसद आर के सिंह हैं, जो बीजेपी के एक ताकतवर नेता हैं। ऐसे में आर के सिंह का टिकट काटना बीजेपी के लिए बेहद ही मुश्किल है। इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।